दिल्ली के सिंघू बार्डर से चल रहा किसान जथेबंदी नाल संघर्ष केवल पंजाब या हरियाणा के किसानों की लड़ाई ना होकर अज समुचे देश के किसानों की लड़ाई बन चुका है। यह प्रगटावा श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गुरमत कॉलेज विखे पत्रकारों के नाल गलबात करदिया किया। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार किसानों प्रति अपना नकारात्मक रवैया छड़ के बिना संकोच तो खेती बिलों को रद्द करके किसानों के हक में अपना फैसला दे। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने खेती कानून लियाने तो पहला किसान जथेबंदियों किसान भरावों की शंकिया और भरम भुलेखे दूर करने की लोड़ सी। अज जदों अन्नदाता किसान अपनी जमीन और किसानी बचाने हुकूमत सरकार तो जवाब लेना चाहता है तो सरकार को किसानों के नाल लुकमा एजेंडा छड़ के किसानी मसले का हल करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि संघर्ष कर रहे किसान भरावों लिए सिख संस्थावां वालों निर्विघन लंगर सेवा शलाघाजोग है। उन्होंने कहा कि किसान भरावों वालों किए जा रहे संघर्ष को खालिस्तानी या अतवादी धिर के नाल जोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों वालों पूरी एकता से विश्वास के नाल लड़ाई लड़ी जा रही है। इस दौरान समाज के माड़े अंसरों वालों अजिंह टिप्पणियां करके केवल किसान संघर्ष को तार पीडो करने की कोशिश कदे भी सफल नहीं हो सकती। उन्होंने चिंता जाहिर की कि अजोकी पीढ़ी को नैतिक कदर कीमतों की घाट कारण दरपेश चुनौतियों चों लंघना पै रहा है और बौद्धिकता के ज्ञान के नाल ही नैतिकता को बचाया जा सकता है। इस मौके होरना तो इलावा डॉक्टर परमवीर सिंह, सरदार कश्मीर सिंह, प्रिंसीपल जसवीर कौर आदि हाजिर सन। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी।